साथियों, आपको भूलना नहीं है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी सियासत के लिए दशकों तक उत्तराखंड राज्य की मांग का गला घोंटा था। ये सपना तब पूरा हुआ था जब केंद्र में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उत्तराखंड बनाया। ये लोग, उत्तराखंडियत की बात करने वाले लोग, बातें कुछ भी करें वो तो उत्तराखंड को खंड खंड करने वाले, उत्तराखंड को टुकड़े टुकड़ों में देखने वाले लोग हैं। अब तो देवभूमि में यूनिवर्सिटी के नाम पर भी, यूनिवर्सिटी के नाम पर शिक्षा जैसे पवित्र काम में तुष्टिकरण का जहर घोलने की बातें सुनाई दे रही है। हमें इस विभाजनकारी सोच से देवभूमि की पवित्रता को नष्ट नहीं होने देना है। मैं इन्हें बताना चाहता हूं, उत्तराखंड आस्था की धरती है, ये आडंबर को स्वीकार नहीं करती है। ये उत्तराखंड, ये तपस्या की भूमि है, यहां झूठ और पाखंड फलीभूत नहीं होते हैं। इसलिए मैं आप सबसे आह्वान करता हूं, इन्हें उत्तराखंड की विकास यात्रा में बाधा नहीं बनने देना। हमें उत्तराखंड के सम्मान की भी रक्षा करनी है, उत्तराखंड के विकास को भी बचाना है। आप देखिए, हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी, क्या हाल हो गया है उसका। इस पार्टी का कोई नेता उत्तराखंड में वोट मांगने के लिए आया क्या? सिर्फ दो भाई बहन, एक परिवार के दो भाई बहन घूमते फिरते हैं। इतना बड़ा देश, उनका कोई नेता नहीं आता है। क्यों भाई? इतने सालों पुराने, कितने पुराने मुख्यमंत्री हैं, पुराने कितने केंद्र के मंत्री रहे हैं, पुराने कितने उनके गवर्नर रहे हैं, 50-60 साल में कितनी बड़ी भरमार है उनके पास। कोई नहीं आ रहा है, कोई, सिर्फ ये दो भाई और बहन, क्योंकि उनको कांग्रेस नहीं बचानी है, परिवार बचाने के लिए निकले हैं। उत्तराखंड का तो सवाल ही नहीं है, देश की इनको चिंता नहीं है। उनकी पार्टी के लोग उनके पास नहीं आ रहे हैं, उनकी पार्टी के लोग आपके पास नहीं आ रहे हैं, तो आपका भला कैसे कर सकते हैं भाई? आप मुझे बताइए, कांग्रेस के पास कुछ बचा है जो आपको काम आए? कुछ बचा है क्या? नहीं बचा है ना। तो इनके पास जाकर के क्या मिलेगा जी, क्या मिलेगा? और इसलिए जब आप 14 तारीख को वोट देने के लिए जाएं, तो ये जरूर याद रखें, कमल के लिए आपका हर एक वोट इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाएगा।